पोलीस अधीक्षक श्री हर्ष पोद्दार यांच्या आदेशाने बीड शहरामध्ये असलेल्या शाळा महाविद्यालय खासगी शिकवणीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना टवाळखोरा करून होणाऱ्या छेडछाडीविरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करण्यासाठी बीड शहरामध्ये पोलीस उपविभागीय कार्यालयांतर्गत शक्ती पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर शक्ती पथकाला शाळा कॉलेज क्लासेस येथे गस्त घालून रोड रोमीवर कार्यवाही करण्याचे आदेश माननीय पोलीस अधीक्षक बीड यांच्याकडून देण्यात आले आहे. सदरचे शक्ती पथक शाळा महाविद्यालय खाजगी शिकवणी इतर ठिकाणी भेटी देऊन कार्यवाही करतील. सदर शक्ती पथकामध्ये पथक प्रमुख महिला पोलीस उपनिरीक्षक श्रीमती अश्विनी कुमार व सोबत महिला पोलीस नायक प्रतिभा चाटे, महिला पोलीस शिपाई ज्योती सानप, महिला पोलीस शिपाई काजल वीर व पोलीस नायक राहुल पाईकराव यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. अल्टिमेटली अगर लगता है कि वो व्यक्ति 3-4 बार इस प्रकार के घटनाएं कर रहा है या क्राइम कट कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ सेक्शन 55 या फिर 56 बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत हद्दपार नहीं की जा सकती. तो आइडिया ये है कि उनकी रिकॉर्ड बनाए जाए और एक डेटाबेस हमारे पास रहे कि इस प्रकार के जो विघ्रिम हरकत करने वाले हमारे बीच शहर में जो भी हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके उनका रिकॉर्ड बनाया जाए. ये हो गया पहला भाग. दूसरा भाग है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस और खासतौर से सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो ऑफेंसेस हैं, हमारा मानना ये है कि परिवार का एक खासतौर से बहुत अहम रोल रहता है इन्हें प्रिवेंट करने का. तो जो नौजवान लड़के रहते हैं खासतौर से 15 से लेकर के 28-29 साल के जो लड़के रहते हैं वो जब इसमें पकड़ाए जाते हैं तो उनके पूरे परिवार को बुला करके भी काउंसलिंग की जाएगी. ये आवश्यक है कि जो गिल्ट है या फिर जो क्राइम है उसका भागीदार सिर्फ वो लड़का नहीं रहना चाहिए, उसके पूरे खानदान को मालूम रहनी चाहिए कि वो किस प्रकार का हरकत कर रहा है और उसे रोकने में भी हमारा मानना है कि ये परिवार जो है वो एक अहम रोल प्ले कर सकता है. जो घर पर अपनी माँ या फिर बहन की इज्जत नहीं कर सकता है वही आदमी बाहर जाकर किस प्रकार का घटिया हरकत करता है. आइडिया ये है कि उसके परिवार को ला करके उन्हें ये बताया जाए